हमारे घर को वो हमारे भेंट दे रही है। अपना तो यही कॉम है जी, सुबह सुबह पंखा लो ब्लॉग बनाओ। साइड में नहीं लगा सकते थे तुम अपनी मोटरसाइकिल, बीच में खड़ी कर देते हो। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम टू हिमांशु का सोया ब्लॉग। अब इनको मन नहीं लगेगा भाई हमारे लिए। और भाई हमारे सुबह हो चुके हैं, सुबह के 9 बजे। पूरी रात हमने जो है बहुत मेहनत करी, तो हमारे भाई जो बैठे पीछे इनने बहुत मेहनत करी। अब भाई छोटका रहे घर को, फिर हम भी जा रहे अपने गांव को। घर जाके नहा धो के नींद मारेंगे लंबी सी, सीधा सोम को उठेंगे। अभी अपना हमने सुबह चाय की जगह हमने हेल ले ली है, एनर्जी आ जाएगी आप पी के थोड़ी बहुत। गाइस देखो शूटिंग चल रही है, वो कैमरा मैन बहुत तकड़ा, ये खासू बाइक चला रहे, खासू रील बना रहा हूँ। तो तीन तीन है, तो तीन तीन एक्टर है भाई, और इंस्टाग्राम पर रील आ जाएगी शाम तक इनकी, सारे जाके देखियो। तो गाइस हमारे गाड़ी की जो है क्लिच जो है थोड़ी खराब हो गई है, फिर हम बाहर निकलू जब दिखाऊं, पर मेरी हालत ऐसी हो रही है कि बाहर निकलने को जी नहीं कर रहा है। नोएडा पहुंचने वाले हमें जसोला, जसोला से पहले ये दिल्ली बॉर्डर पे ये दुकान पड़ जाए, दुकान का नाम है द कार क्लिनिक। तो जो गार्डन की क्लिनिक है, यहाँ दवाई गोली सब मिल जाए गार्डन की। गाड़ी थोड़ी सी जो है गाड़ी की तबीयत खराब हो गई है, क्या करवा रहे भाई, अब दो कार्य का लग तो रहे भाई, वो कह रही 10 मिनट का काम, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में हो जाएगा। गाइस झूठ बोले यार, ये 10 मिनट क्या है, आधा घंटा लगा दे। मैं तुम्हें बरोला का सबसे ठाली आदमी दिखाता हूँ, कौन भाग रहा दुबक रहा दुबक रहा अरे यू है नकली भाटी चमार। गाइस हम जा रहे हैं बाल के अंदर लेने, मैं अभी फरीदाबाद से आया, घर सोया भी ना नहाया भी ना, बस ट्रैकलिंग करके, क्योंकि भाई ठंड हो रही है, ठंडा मौसम आ चुका। और सबसे मेन बात, हमारे गांव में लाइट नहीं आ रही, मैं क्यों नहीं आ रही मैं दिखा रहा हूँ, हमारे गांव में जियो फाइबर के तार गिर रहे भाई साहब, खम्बान पर चढ़ चढ़ के तार गिर रहे भाई साहब, सारी पब्लिक बाहर खड़ी होकर देख रही है। 4 दिन से भाई साहब गांव में ये हाल हो रहा, लाइट नहीं आ रही है, नए तार जो गिर रहे हैं भाई साहब। अरे यार ये गली में नहीं, दिक्कत हो जाए गली में, हमारे बाहर निकलते हैं मोटरसाइकिल हटा ले, बस बाहर निकलने में 10 मिनट होने लग जा। और भाई क्या हाल है, चलो भाई कहां है, कनेक्ट कर लो गाने में जा, एफएम चला रहे यार। बाकी गाइस कल परसों मैं जा रहा हूँ पटाखे लेने, क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली की शॉपिंग की, पटाखे इनकी शॉपिंग करनी है, जिसे जिसे चाहिए बता दी, मैं उनको ले आऊंगा, मेरे घर आकर ले ही हूं। और गाइस सोन पावड़ी का मौसम चल गया है, सोन पावड़ी पूरे साल में कहीं नहीं बूझते, अभी ऐसा त्योहार आ गया जिसमें सोन पावड़ी, कोरी सोन पावड़ी चलेगी, और मेरी फेवरेट है सोन पावड़ी भाई, देखो झूठ की बोलू मेरी फेवरेट है। मैं भूख लग रही है बहुत तेज, अरे मैं खिलाएगा कुछ, क्या खिलाएगा तुम, जो आप कहोगे भाई वो खा लेंगे, ऐसे फंसा दे यार, क्या बताऊं मैं, कुछ भी खिला दे, जैसे हो गए तेरे पनीर राइस सैंडविच, इन्हें खा लेंगे भाई, पेट बस पेट भरना चाहिए, मजा आएगा लो खाने में, बहुत टेस्टी लगते हैं सेक्टर 50 के तो। हाँ सभी टेस्टी है, कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी लगेगी इस टाइम, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। हाँ नहीं हाउस ले लो ना, थोड़ा सा राउंड टर्न, तो कौन सा घूम के ला गया हाउस ले लें, इंडिकेटर तो यहाँ दे रहा, मैं तो उधर से जाऊँ बोलो सीधा, यहाँ पूरा वहाँ ही पहुँच जाएगा, तो 1 किलोमीटर आगे घूम के आएगा, ये ब्रेकर ब्रेकर पड़े हैं वहाँ, मजा आएगा वहाँ भगाने, मजा आएगा फिर। यस ओहो, तो ऐसा करना इन्हें दूर एडमिशन दवा दे कहीं ग्रेट में बेटा, और पूरा हाईवे जाइए खैजम के, ऐसे क्या देख लो भाई, तेल की कोई चिंता नहीं भाई साहब, जैसे इनमें पेट्रोल पंप खरीद रखो, खरीद लेंगे भाई हमारे गाड़ी में डलवा देकर। सबसे प्राचीन मंदिर नोएडा का, सबसे पुराना मंदिर है भाई, गाड़ी तो आते हैं जब, वो तो ठीक है, पर गाड़ी की भीड़ भाई, इधर दिखा दे भाई, इधर दिखा, कोरी भीड़ है भाई, इधर दिखा, बहुत दूर दूर से आवे यार, कोरी भीड़ है, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। हां भाई बोलो, वो तो बहुत दूर दूर से आते हैं, गुड्डू से एक बार ये पूछना कितनी बार गया था तू इस मंदिर में भाई, देखो रियलिटी बताना,
भाई मैं सही बताऊं, मैं बाहर जाने से नहीं, अंदर कितनी बार गया? बाहर तो मुझे पता है तू डेली जाता है इसके सामने से, तो अंदर कितनी बार गया? देखो मैं झूठ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मंदिर है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप चढ़ेगा। मैं भाई साहब एक भी बार नहीं गया। हाँ तो बताओ फिर, ऐसे भी कोई इंसान होता है देखना, क्योंकि भाई इतने जो हम जो है पुजारी नहीं है, इतने भगत नहीं है, बस हम श्री राम जी के भक्त हैं। हेलो चिया, आज आपको कैसा लग रहा है? गुड्डू चाचू भी आए मेरे साथ। गाइस लगता है बहुत गुस्सा है आज, इसको पनिशमेंट मिली है क्या? पनिशमेंट मिली है ना? अभी तो ये सॉरी जैसे मैम ने पीट के भगाई हो घर को जा। आए हेलो। तो भाई अब लग रही बहुत जोर की भूख, हम सोच रहे कुछ खाने की, आ रहे हैं अट्टे, अट्टे जा रहे हैं, बट्टे अट्टे, अट्टे में खाएंगे हम कुछ खट्टे, फिर रेड बुल पियेंगे वहां पे। अरे भाई अरे भाई, अट्टे में बहुत अच्छा खाना मिलता है। आगे धीरे धीरे फॉर्म में आ चुकी है, देखो देखो देखो। किसको लेने जा रहे हैं स्कूल से? आपको भाई बोल दिया। मैं तो गाड़ी में हूं, मुझको कैसे लेने जा रहे हो? तो हम जा रहे हैं डोला दीदी को लेने। अंकित भाई हमारे कुछ खिला पे आ रहे हैं, दावत दे रहा भाई साहब। दो मीडियम कोल्ड कॉफी कर रहा है, मीडियम मौज करती भाई मौज। लॉर्ड मैंने अंकित वैसे फ्रॉम सेक्टर 116 से मौज कर दिया आज जाने। ले भाई नो पार्किंग वाली मोटरसाइकिल पकड़ ली है, उत्तरी उत्तरी। ओ माय गॉड गाइस, बाइक उठा के ले जा रहे हैं, एक स्कूटी लेके जा रही है, एक बाइक लेके जा रही है, एकदम कॉम कर दे। बाइक का मालिक आ गया, फोन कर ले एक बार, बलबीर की एसआई को फोन कर ले, मैंने फोन कर ले, आ जाओ कदर खा लो खा लो। अरे अच्छा है, अरे उसका नाम नहीं, भाई गरम खा रहा हूँ, क्या सब ने मोटरसाइकिल खा रहे हैं, गरम खा रहा हूँ। इसने डीआईजी का नाम ले दिया है, तो वो कृपया करके उसकी बाइक को छोड़ के चले गए। माय गॉड बहुत ही बुरा हाल है यहाँ तो। सही है भाई, जाएगी क्यों ड्रामे कर रहा है? सही है, हमारे पास बाइक नहीं है, गाड़ी गाड़ियाँ हैं, हम गाड़ियाँ में घूमते हैं, बाइक स्कूटी तो हमारे पास है नहीं बिल्कुल। सारे बाल सारे ए भी बाल लगा चुके हैं हमारी गाड़ी में। भाई अपने अपने हाथ उठा दो, बालक है और क्या, मोटू पतलू अभी नहीं आए हमारे, मोटू पतलू आ जाते हैं तो गाड़ी में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जो मेरे ऊपर हाथ कर रहे हैं सोच रहे मुझे पता नहीं, मुझे सब पता है। उनके सामने कोई कुछ नहीं बोलता है जो मोटू, वो तो लीडर है इनका ग्रुप का, वो डिसाइड करते हैं कि सुबह आके कौन बैठेगा, छुट्टी में आके कौन बैठेगा, सब डिसाइड वही करते हैं। देखो चिली पोटैटो हो गए तुम्हारे, फ्राइड राइस हो गए और सैंडविच हो गई, बाहर की चीज तो बहुत बेकार है बाबू। आपने अभी क्या खाया था? हमने खाया थोड़ी था, हम तो वैसे खाना पैक करवा के ले गए थे, दो रोटी थी, थोड़ा सा साग था जी। कहाँ पे बाबू, कहाँ पे देख लो, देखो कहाँ पे, टिश्यू पेपर क्यों रखे? पूछने के लिए हम खाना खाते हैं, पानी लेके आए थे, पानी पी लिया, मुंह गंदा हो जाएगा हमारा। कुछ नहीं खाना चाहिए बाहर का, बाहर का नहीं खाना चाहिए, बाहर का तो बहुत हानिकारक होता है बॉडी के लिए, बहुत ही अनहाइजीन, बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा, बहुत ही अनहाइजीनिक खाना रहता है बाहर का, ये बहुत ही शैतानी बच्चे भाई। ओ पूछ दे रहा और भाई थाली आदमी, थाली आदमी का एक हम थाली है, तू बता कहाँ कर रहा हूँ, सिरसा के थाली आदमी, बिजनेस चल रहे हमारे, बिजनेस चल रहे भैया, आपका शरीर है ना, पर ये पता ना बॉडी दिखा भाई साहब, भाई तुम्हारे तरह थोड़ी ना जिम में जाकर सो जावे, ढाई के पांच के उठा ले तो, पांच किलो के डंबल उठा ले, 60 का उठा लूं मैं। छोटी रॉड सो छोटी रॉड सो बड़ी रॉड तो है 20 किलो की तो है, मजाक कर रहा है, बात हम बिल्कुल मत आइयो, चल अभी चल, झूठ आदमी एक नंबर, अभी चल अभी जल्दी कर, जा रहे हो जी, ये सब कैप्टन से कमा ले मेरा जो भी पास भाई, हम दोनों भैयानों का पूरा सहयोग चल रहा है, लाइट वाले की गैंग तार जोड़ रहे हैं, सुबह दोपहर तार जोड़ रहे हैं, पूरे गांव में लाइट आ रही है भाई, देख लो आगे पीछे लाइट आ रही है, हमारा घर जो अंधेरा पड़ा
हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है, बहुत टेंशन आ रहा है। तुम भी लाइट वाले भैया? नहीं, हम नेट वाले। नेट वाले हो? कौन सा नेट लगा दो? कोम्बे का। हेलो, हमारी समझ सुबह बस मात्र दो मिनट में घर हम चमक जाएंगे, फिर चमक जाएंगे, हमारा पूरा घर चमक जाएगा, जगमग जगमग चमक जाएगा पूरा लाइट हमसे। बस कुछ देर बाद अपने में आ रही नहीं करें ना, तो कोई दिक्कत ना, सुबह कर दिया हमें, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया हमें दिक्कत है, हमारे घर में पानी ना हो, हमारे लाइट वाली अभी आ जाएगी, आधे घंटे हम तुम्हें हर पल की अपडेट देते रहेंगे, पर हमारे घर लाइट आ गई भाई। आज लौंडा बहुत खुश है, लाइट आ गई। चलो भाई, चाचा इतनी मत पेगर, मैंने तुम से मना करी। पागल हो गए दोनों, शुक्र नशा कर रहे। अरे भारत, कल चाचा के करवाओ बर्ती है ना तुम, चाचा को मारे कल उल्लू जागे ना, हमको तुम्हारा ब्याह करवा दे, तू बर्ती है ना कल को। तो गाइस आज के ब्लॉग यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि भाई हमारे गांव में अभी तक पूरा अंधेरा पड़ा, पूरा गांव लाइट नहीं आ रही है। पता नहीं भैया आज रात को लाइट आएगी ना आएगी, कैसे सो जाएगा। खैर इतनी गर्मी ना हो, सो तो जाएंगे पर मच्छर नहीं सो देंगे, इसलिए तुम सुबह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग ऐसे देखते रहो, शेयर करते रहो। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।